अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई टेंशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में झगड़ा है या ब्रेकअप हो गया, तो आपके माइंड में ये सवाल बनता होगा कि क्या अब आपका पार्टनर है वो आपको भूल जाएगा। इनफैक्ट ऐसे सवाल मुझे लोग तब पूछते हैं जब वो अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, तब उनके माइंड में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उनका किसी और के साथ रिलेशन तो नहीं बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि जब हम एक्स बैक की मेथड फॉलो करते हैं तो कई बार उनसे बात नहीं करनी होती, उनसे अलग रहना होता है। एक्स बैक की एक मेथड होती है, ठीक है, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि आपको ये चीज़ें हैं वो फॉलो करनी पड़ती है। तब उनके मन में ऐसी चीज़ें होती है कि यार अगर मैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाऊँगा, बात नहीं करूँगा, तो वो किसी और के साथ ऑलरेडी बात कर रहे हैं, क्या वो मुझे भूल जाएंगे, क्या वो मौन कर जाएंगे, ऐसे सारे सवाल उनके मन में होते हैं। एंड जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी ये सवाल बनते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि अभी झगड़ा चल रहा है या ब्रेकअप हुआ है, तो उनके साथ कनेक्ट रहने के लिए अगर तुम बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करते हो, इरिटेट करते हो, ठीक है, तो इस टाइम पे तुम जितना इरिटेट करोगे ना, वो एक्चुअल में तुमसे दूर भागेगा, क्योंकि नंबर ब्लॉक करता जाएगा, तुम वहाँ से यहाँ से करोगे, तो एक्चुअल में तुम ऐसा कर करके इरिटेट करते करते उनको अपने से बहुत ज़्यादा दूर फेंक रहे हो, ठीक है, तो एक वे में ये दूर जा रहा है, तो तुम खराब मेमोरी दे रहे हो। तो अगर तुम किसी को बहुत ज़्यादा ख़राब मेमोरी दे रहे हो, इरिटेट करने की, परेशान करने की, हाँ, जितनी बुरी मेमोरी बनेगी ना, तो पॉसिबिलिटी बनती कि वो तुम्हें भूले, ठीक है, लेकिन इससे इतनी ज़्यादा नहीं पॉसिबिलिटी बनती कि वो एक इसी रीज़न से आपको भूल जाए। अब दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेकअप के बाद अगर तुम नो कॉन्टैक्ट या ये सारी चीज़ यूज़ करते हो, तो तुम्हें एक महीना, डेढ़ महीना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ केस में दो महीना भी होते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंट होना होता है। और एक्स बैक की जो मेथड होती है उसमें रिप्रेजेंट होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब आपको पता चलना चाहिए कि भाई रिप्रेजेंट कैसे करता है। अब एक्स बैक की जो मेथड होती है उसमें रिप्रेजेंट करने का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको पता होना चाहिए कि भाई रिप्रेजेंट कैसे करते, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। तो रिप्रेजेंट करते हो और वहाँ पर भी तुम ये दिखा रहे हो कि भाई मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, तुमने छोड़ दिया तो अभी भी दुखी है, रिप्रेजेंट सही से नहीं कर पाते तो भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको भूल जाएगा। एंड हाँ, तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, कहीं पर कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, वो कहाँ पर है, आप क्या कर रहे हो, उनको पता ही नहीं चलता, एंड 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हाँ ठीक है, तो अगर थोड़ा ज़्यादा इमोशन है ना तो भूल जाएगा। अगर बहुत तगड़ा इमोशन है तो 1 साल या इतना टाइम लगता है, पर मतलब तुम्हारा 6 महीने का, 1 साल का रिलेशन है, तो 4-5 महीने में अगर बिल्कुल भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, तो धीरे धीरे उनकी लाइफ में नया पर्सन आएगा, या उसकी लाइफ में नई मेमरीज जब बनने लगती है, जब धीरे धीरे उनका जो आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है वो बिखरने लगता है। पर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी पार्टनर, एक्स पार्टनर है या मतलब इग्नोर कर रहा है, वो आपको ना भूले, तो 1 महीना, 1.5 महीने के बाद आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। ये तगड़ी चीज़ है, वो चाहेगा तो भी आपको भूल नहीं पाएगा, मौन नहीं कर पाएगा, भले वो किसी और के साथ बात क्यों ना करता हो। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप चाहते हो कि एक्स पार्टनर को कैसे वापस पाया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्स बैक की ईबुक वाली जो लिंक है वो मिल जाएगी। आप उस ईबुक को डाउनलोड करिए और एक्स बैक की प्रॉपर जो मेथड होती है उनको फॉलो करिए अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट सॉर्ट आउट हो गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।